चलो यार बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर में ये वाला क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिया था। आई होप सभी ने ट्राई किया होगा, जो कोई बच्चा लेक्चर ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है। जर्नल, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। जर्नल के अंदर में हमने स्टार्टिंग में कुछ थोड़े से फ्यू अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स देखे थे, उसके बाद हमने जर्नल के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए। आई थिंक पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट किया था और ये आपको मैंने होमवर्क दिया था बेटा। चलो आ जाओ चेक कर लेते हैं फटाफट से। उम्मीद करता हूँ आप लोग होमवर्क रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। सो मेरे प्यारे बच्चों, जो रिमुन्नो जल्दी जल्दी से, पहली तीन एंट्री हमारी हो गई थी। देन अगेन तीसरी तारीख को अप्रैल मंथ के क्या दिया हुआ है बेटा, एक बार चेक करना। तो गुड्स परचेज एंड कैश पेड 12,000, बोल बेटा इसका एंट्री क्या रहेगा। अच्छा, जब भी हम लोग जर्नल एंट्री पास करते तो उसके लिए बेसिक रूल हर किसी को मालूम है। जर्नल एंट्री पास करते समय रूल मालूम बेटा सभी को, बहुत सिंपल सा रूल है जो मैंने आप लोगों को बताया था। सारी एसेट्स ड्रॉइंग याद आया क्या, डेटर्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन सभी का हमेशा 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 के लिए डेबिट बैलेंस रहेगा। बढ़ते तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। एंड असेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट गेंस या प्रॉफिट, जो कहना है कह लो, इन सभी का क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ये टाइप के अकाउंट, बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होता है तो डेबिट करो। बढ़ना या कम होना समझ में आएगा ट्रांजेक्शन से। सब लोग साथ में बेटा, बढ़ना या कम होना समझ में आ जाएगा ट्रांजेक्शन से। डन, बस ये ही रूल इस्तेमाल करके हम लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करना है। अच्छे से ध्यान देना, गुड्स परचेस किया है कैश में, है ना, 3 अप्रैल का, आई थिंक 3 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है। अप्रैल मंथ के सारे ट्रांजेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल हरिबाऊ के बुक में, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 2.11। तीसरा वाला ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा इसमें। एक तो रहेगा परचेज अकाउंट, दूसरा रहेगा कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट कैश अकाउंट, बरोबर है ना। परचेज का डेबिट बैलेंस, परचेज किया माल खरीदा, माल असेट डेबिट बैलेंस। परचेज किया तो परचेज बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं माल खरीदूंगा वैसे वैसे मेरा परचेज बढ़ेगा। सो परचेज को डेबिट करो, 3 अप्रैल का अगेन ट्रांजेक्शन है, परचेज को डेबिट करो। और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट। कैश पे किया 12,000 रुपए, कैश ये भी असेट है, इसका फिर से डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। कैश बढ़ रही है कि कम हो रही है समझेगा ट्रांजेक्शन से। ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है कैश पेड, ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है कैश पेड, यानी कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, कैश ही असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, देयरफॉर कैश का भी डेबिट बैलेंस। कैश पे किया तो कैश कम होता है, कम होता है तो कैश को क्रेडिट करो। ये समझ में आया सभी को, सब लोग साथ में हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में लिख रहे हो बेटा आप। नरेशन लिख लो, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, क्लियर है, पक्का, डन। चलो आगे। अच्छा देखना, अब एक काम करना, जो जो बच्चों ने ये बुक का सॉफ्ट कॉपी लिया हुआ है प्लीज़ प्रिंट निकाल करके रख लेना, ठीक है, क्योंकि है कि नहीं, अब हमें बहुत सारी जगह लगने वाली है। तो मैं ब्लैंक पेपर पे लिखूंगा, मेरे पास में भी इधर हार्ड कॉपी में बुक है, तो बुक से मैं क्वेश्चन देखूंगा, पेज नंबर बताऊंगा और आंसर लिखूंगा। तो आप सभी के पास में इसका सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर के पहले आप निकाल करके रख लो, ठीक है, अगर सॉफ्ट कॉपी लिया होगा बुक का। तो हार्ड कॉपी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चल, वहाँ पे अपने पास में ज़्यादा जगह नहीं थी ना, इसलिए मैंने ब्लैंक पेपर ले लिया है। ब्लैंक पेपर पे हम लोग सम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतनी इतनी सी जगह में सम सॉल्व करूँगा आपको दिखेगा नहीं बरोबर। तो अब ये बुक सभी के पास में है हार्ड कॉपी, अब मैं थोड़ा सा ब्लैंक पेपर ले लेता हूँ, है ना, और ये यहाँ पे मैं बनाना शुरू कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 3.11। सब लोग अच्छे से ध्यान देना बेटा, सब लोग अच्छे से ध्यान देना, आ जाओ। सो पहले तीनों हमारे हो गए थे और उसके बाद गुड्स परचेज फॉर कैश भी हो गया। देन नेक्स्ट है बेटा, प्लेस एन ऑर्डर विथ मेसर्स मित्तल एंटरप्राइज
फॉर गुड्स वर्थ ₹50,000। ऑर्डर दिया बेटा, फॉर्मेट बना लेता हूँ, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। है ना, आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा, सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है, और साइड में अगर कुछ वर्किंग करना है तो मैं वो भी आपको करके बता दूंगा। डन, दिख रही है बेटा स्क्रीन सभी को? देखो एक बार, क्लियर है? ओके, चलो आ जाओ। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था बेटा? प्लेस एन ऑर्डर विथ मेसर्स मित्तल, प्लेस एन ऑर्डर विथ मेसर्स मित्तल फॉर गुड्स वर्थ ₹50,000। 50,000 के माल का ऑर्डर दिया है, 50,000 के माल का ऑर्डर दिया है, ना एडवांस दिया, ना माल लिया, ना मनी और मनीज वर्थ में कुछ गया, ना मनी और मनीज वर्थ में कुछ आया, सिर्फ ऑर्डर दिया है। बोलो इसका एंट्री क्या रहेगा, गेस करो। एनीबॉडी, क्या एंट्री रहेगा बेटा? नो एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन। मित्तल ब्रदर्स को हमने ऑर्डर दिया है, ना पैसा दिया, ना माल लिया, मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड कुछ एक्सचेंज हुआ ही नहीं, तो इसके लिए एंट्री रहेगा क्या? नो, नो एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ नो एंट्री फॉर ऑर्डर प्लेस्ड टू मित्तल ब्रदर्स। सर पेपर में हमने भी ऐसे लिख देना है? हाँ बिल्कुल ऐसे लिख देना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो आगे, पक्का? उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, कैश सेल है 20,000 का, कैश सेल है 20,000 का। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम एंड गेन्स। इनका हमेशा हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस, इनका हमेशा हमेशा के लिए क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं, डेबिट करो कम हुआ क्रेडिट करो, इसके बढ़ते हैं क्रेडिट करो कम हुआ डेबिट करो, राइट? चलो बताओ, कैश सेल है, एक तो बनेगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, तो कैश का भी डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो, कैश में माल बेचा कैश बढ़ गई सो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और सेल, एक बनेगा सेल अकाउंट, सेल सेल ये इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस सो सेल का भी क्रेडिट बैलेंस। जैसे जैसे माल बेचूंगा वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी, सेल इनकम, इनकम बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करो, सो कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल था? 20,000। देखो कैसा मस्त एकदम स्पेशियस दिखता है ना, बीइंग कैश सेल्स। सिंपल है, चलो आगे। नेक्स्ट, ही विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप सभी के पास क्वेश्चन बुकलेट है, प्लीज ध्यान दो और नेक्स्ट लेक्चर में प्रिंट कर लेना अगर नहीं है तो, ठीक है? अभी मैं ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनना। कैश में माल बेचा, ये किया बेटा, वी ही विड्रू कैश, 10 तारीख का ट्रांजेक्शन है, ये 7 का था, 10 तारीख का ट्रांजेक्शन है। कैश विड्रॉ किया है फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज,
बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया, बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा कैश और पर्सनल यूज के लिए। जब भी कोई ओनर विड्रॉ करता है तो एक बनेगा ड्रॉइंग, कैश ही असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है, सो कैश का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। कैश विड्रॉ किया, बिजनेस से कैश कम हो गई, ओनर ने कैश विड्रॉ किया, बिजनेस से कैश कम हो गई, ओनर के पास कैश आ गई, ओनर को चूल्हे में जान दो, बिजनेस से कैश कम हो गई, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करते हैं, सो कैश क्रेडिट होगा। ड्रॉइंग असेट ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस, सो यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस, ड्रॉइंग बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। ओनर जब भी पर्सनल पर्पस के लिए कुछ विड्रॉ करेगा, ओनर जब भी पर्सनल पर्पस के लिए कुछ विड्रॉ करेगा तो वो उसे ड्रॉइंग बोलेंगे। ओनर जब भी पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ करेगा, हाउस होल्ड डोमेस्टिक पर्पस के लिए विड्रॉ करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग बोलेंगे। ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस, ओनर जैसे जैसे विड्रॉ करता है वैसे वैसे ड्रॉइंग बढ़ता है, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। समझ में आया तो प्लीज हाँ बोलो, वरना डाउट पूछो। सिंपल है, पक्का? कितना विड्रॉ किया बेटा उसने? 10,000 रुपये दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, डन, चलो आगे। चलो बीन कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। चल उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फ्रॉम द बिजनेस 22,000 बाय चेक, बिजनेस से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ओनर का जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बिजनेस से पे किया, ओनर का जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कहाँ से पे किया, बिजनेस से पे किया। अब बताओ बेटा इसका क्या रहेगा एंट्री, हाँ कौन कौन सा अकाउंट बनेगा पहले तो ये बता दो, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा, एनीबॉडी, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? ओनर का पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस से गया, जब भी बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए ओनर कुछ निकालता है, जब भी बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए ओनर कुछ निकालता है तो हम लोग उसे ड्रॉइंग बोलेंगे। तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे बेटा, ड्रॉइंग। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट नहीं बनेगा, वो बिजनेस का खर्चा थोड़ी है, वो तो ओनर का पर्सनल खर्चा है, वो तो ओनर का पर्सनल खर्चा है, बराबर है। फिर लाइफ इंश्योरेंस रहो और कुछ रहो, ट्रैवलिंग रहो, कुछ भी रहो, ओनर का पर्सनल खर्चा है, तो एक बनेगा ड्रॉइंग अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट, दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस, ओनर बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल कर रहा है तो ड्रॉइंग बढ़ रहा है, ड्रॉइंग बढ़ रहा है उसे डेबिट करो। बिजनेस से कैश विड्रॉ किया, कैश ये भी असेट है, कैश ये असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस, इसका भी डेबिट बैलेंस, बिजनेस से कैश कम हो गई, सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। सेम एंट्री जो ऊपर हुआ था, बस ऊपर अलग पर्पस था, नीचे अलग पर्पस है। अच्छा, कैश में नहीं विड्रॉ किया, यहाँ बैंक से है, यहाँ बैंक से है, ट्रांजैक्शन पढ़ना, बैंक बैलेंस कम हुआ, बैंक बैलेंस ये भी आपकी असेट है, डेबिट बैलेंस से कम हो गया, क्रेडिट करो, सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 22,000 का चेक है, 22,000 का चेक है, यस और नो, पक्की बात, सब लोग साथ में हैं? हाँ बेटा, चेक से दिया है ना, क्वेश्चन में लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द ओनर विद वाया चेक, थ्रू चेक, बैंक बैलेंस कम हुआ, बीइंग लाइफ लाइफ
insurance premium paid via check. Life insurance premium paid via check. Clear? पक्की बात? इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड वाया चेक. यहाँ तक एनी स्टूडेंट? एनी काइंड ऑफ डाउट? एनीबडी? जो भी दिल में आ रहा है. देखो, ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, पीछे बैक ऑफ द माइंड में है. ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं, दो चार क्वेश्चन में लिख के बताऊंगा क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है. उसके बाद ये आपके मन में चलेगा. ये आंसर का पार्ट नहीं है, आंसर का फॉर्मेट ये है. ये है आंसर का फॉर्मेट, ये है आंसर का फॉर्मेट, ये है आंसर का फॉर्मेट. ये पिंक लाइन के जो लेफ्ट में है, ठीक है? चलो आगे. ओके, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखते हैं बेटा. अब नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे. ये आंसर का पार्ट नहीं है जो मैंने मिटा दिया. चलो अगली एंट्री. सेम फॉर्मेट अपने नेक्स्ट पेज पे भी ड्रॉ करना है. अगर आपका पेज खत्म हो गया है तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. नेक्स्ट. चल बता रहे बेटा आगे क्या दिया है. लाइफ इंश्योरेंस हरिभाऊ हाउस रेंट पेड. हरिभाऊ का पर्सनल हाउस रेंट पे किया बिजनेस से. अरे रे 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 रे, अब रेंट अकाउंट मत बनाना. हरिभाऊ का पर्सनल घर है. हरिभाऊ हाउस रेंट पेड. हाउस रेंट ओनर ने अपना पर्सनल हाउस रेंट बिजनेस से पैसे लेके पे किया. रेंट अकाउंट नहीं बनेगा, ओनर का पर्सनल खर्चा है तो उसके लिए हर बार बनेगा ड्रॉइंग अकाउंट. सो ड्रॉइंग अकाउंट, ओनर विड्रॉ करता है तो ड्रॉइंग बढ़ेगा. ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, यही रूल है हर जगह. बरोबर है क्या? और कितना पे किया? पेड. कुछ बोला नहीं तो हम लोग समझेंगे कैश पे किया, तो कैश कम हो गया. सो 55,000 ओनर्स पर्सनल रेंट पेड. पर्टिकुलर कॉलम में लिख लो, ओनर्स पर्सनल हाउस रेंट पेड. क्लियर? पक्का? चलो आगे. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल. बोलो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल. कौन कौन सा अकाउंट बनेगा पहले ये बता दो. फ्री सैंपल बोल के माल बांटा है. फ्री सैंपल बोल के माल बांटा है बेटा. बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा. फ्री सैंपल बोल के माल बांटा है बेटा. एनीबडी? बोलो. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल. कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक तो बनेगा आपका फ्री सैंपल और एडवर्टीजमेंट अकाउंट. फोकट में माल बांट रहे मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए कर रहे हैं ना, तो एक बना लो एडवर्टीजमेंट अकाउंट. बनाए तो भी चलेगा, या एडवर्टीजमेंट की जगह पे प्रमोशन अकाउंट बनाए तो भी चलेगा, या प्रमोशन की जगह पे फ्री सैंपल अकाउंट बनाए तो भी चलेगा, या फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी चलेगा. बरोबर? सो एक तो मैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट बना लेता हूँ. चलो एडवर्टीजमेंट ये खर्चा है. खर्चे का डेबिट बैलेंस, फ्री में माल बांट रहे हैं तो खर्चा बढ़ेगा. एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करो. कितने का माल बांटा फ्री में? पांच हजार का. दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा?
5000 का माल फ्री में बांटा, दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? कैश अकाउंट मत बोलना, कैश अकाउंट गलती से भी मत बोलना, कैश अकाउंट नहीं बनेगा यहाँ। नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा सर कैश अकाउंट बनेगा, नो कैश अकाउंट नहीं बनेगा। हाँ एनीबॉडी एनीबॉडी, माल बांटा फ्री में, अब अच्छे से ध्यान देना, बहुत काम का लॉजिक बता रहा हूं, लिख लो। गुड्स आगे भी काम आएगा, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटेड काम की चीज है, एज ए फ्री सैंपल। बिजनेस से माल कम हो गया, एक तो बना लिया एडवर्टीजमेंट अकाउंट और दूसरा गुड्स फ्री में बांटा है, पैसा बांटा रहता तो दूसरा बनता कैश अकाउंट, लेकिन पैसा नहीं बांटा, माल बांटा है तो माल कम हो गया। सर माल कम हो गया तो सेल अकाउंट बता दो। नो माल बेचा भी नहीं है, फ्री में बांटा है तो सेल भी नहीं दिखा सकते। सर सेल नहीं दिखा सकते तो एक काम करो परचेस कम कर दो, बात एक ही ना, फ्री बेचा रहता तो सेल दिखाता बट सेल नहीं है। जब कभी भी माल कम हो गया, सेंटेंस में गहराई है सुनना, माल कम हो गया और सेल नहीं है, माल कम हो गया लेकिन सेल नहीं किया, मे भी फ्री में बांट दिया, मे भी चोरी हो गई, मे भी भूकंप आ गया, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, गुड्स लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, गुड्स लॉस ड्यू टू थेफ्ट और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। माल कम हो गया लेकिन सेल नहीं है, माल कम हो गया लेकिन सेल नहीं है तो एक काम करो परचेस कम कर दो। सो एडवर्टीजमेंट ये खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस फ्री में बांट रहा है इसलिए खर्चा बढ़ रहा है, बढ़ता है तो उसे डेबिट करो। सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट होगा डेबिट, परचेस इसका भी डेबिट बैलेंस, परचेस को बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट, यहाँ परचेस कम करना है तो परचेस को करेंगे क्रेडिट। अब ये चाहे फ्री सैंपल की केस हो, चाहे गुड्स लॉस ड्यू टू थेफ्ट और फायर और अर्थक्वेक हो, कोई भी केस हो, बनेगा परचेस अकाउंट। फ्री में बांटा तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस, माल जल गया तो लॉस ड्यू टू, माल जल गया तो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस, माल चोरी हो गया तो लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस, भूकंप आ गया तो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक अकाउंट डेबिट टू परचेस, पर माल जलना चाहिए है ना, कैश नहीं। कैश अगर चोरी हो गई तो लॉस ड्यू टू थेफ्ट टू कैश आएगा, माल चोरी हुआ तो लॉस ड्यू टू थेफ्ट टू परचेस आएगा। सो कोई भी केस में यहाँ पे क्रेडिट वाला अकाउंट परचेस ही होगा। हाँ फ्री में माल बांटा तो डेबिट में एडवर्टीजमेंट है, चोरी हो गई तो डेबिट में थेफ्ट है लॉस ड्यू टू थेफ्ट, आग लग गई तो डेबिट में लॉस ड्यू टू फायर है, बरोबर है, क्लियर, ये समझ में आया। चलो आगे, सिंपल था एकदम, पक्का एनीबॉडी, चल आ जाओ बेटा, ध्यान देना अच्छे से। सो एडवर्टीजमेंट टू परचेस, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट और परचेस अकाउंट क्या होगा क्रेडिट। ध्यान रखना गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। नेक्स्ट गुड्स परचेस फ्रॉम परी ₹30,000 ऑन क्रेडिट, परी से उधारी में माल खरीदा 22 तारीख का है, माल खरीदा तो एक बनेगा परचेस अकाउंट, परी से उधारी में माल खरीदा, परचेस किया तो परचेस बढ़ेगा, परचेस का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो। टू नगदी में लिया रहता तो लिखते टू कैश, चेक दिया रहता तो लिखते टू बैंक, परी से उधारी में माल लिया तो परी मेरी क्रेडिटर बन गई,
क्रेडिटर बन गए यानी क्रेडिटर बढ़ गए, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, सो क्रेडिटर का नाम क्या है? परी। सो टू परी अकाउंट। कितने का माल उधारी में लिया बेटा? 30,000 का माल, बाप रे, 30,000 का गुड्स क्रेडिट बेसिस पे लिया। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 3.11, गुड्स सोल्ड टू प्रीतेश ऑन क्रेडिट, प्रीतेश को माल बेचा उधारी में, प्रीतेश को माल बेचा उधारी में, गुड सोल्ड टू प्रीतेश, 22 तारीख को ही बेचा है। प्रीतेश मेरा क्या बन गया? डेटर, एसेट ड्रॉइंग डेटर्स, डेटर्स का डेबिट बैलेंस, उधारी में माल बेचा तो डेटर बढ़ते हैं, बढ़ते हैं तो डेटर को यानी प्रीतेश को डेबिट करो, प्रीतेश डेटर है ना मेरा। कितने का माल बेचा बेटा उसको? 19,000 का। नकदी में माल बेचा रहता तो कैश को डेबिट करता, और माल सेल किया तो सेल को क्रेडिट करो, सेल इनकम है मेरे लिए। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। चल यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। एनीबॉडी? सिंपल है, पक्का? ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ, मातृभाषा में कन्वर्ट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कौन सा अकाउंट बनेगा, उसका बैलेंस क्या है, वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। कैसे कर रहा हूँ समझ में आया बेटा सभी को? देन गुड्स वर्थ ₹500, 25 अप्रैल का ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन में देखना। गुड्स वर्थ ₹500 विच वर ब्रॉट फ्रॉम परी रिटर्न टू हर, परी से जो माल लिया था हमने इसमें से 500 का माल वापस कर दिया, परी से जो माल लिया था हमने इसमें से 500 का माल वापस कर दिया, परी से जो माल लिया था मैंने उसमें से 500 का माल वापस कर दिया। लिखो फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, लेजर फोलियो। कब वापस किया माल? 25 तारीख को। माल जब खरीदा तो मैंने लिखा था परचेस अकाउंट डेबिट, माल खरीदा तो रहेगा परचेस रिटर्न, खरीदा माल वापस किया, परचेस का डेबिट बैलेंस था, परचेस को डेबिट किया था खरीदते समय, परचेस रिटर्न का उल्टा क्रेडिट बैलेंस, परचेस का डेबिट बैलेंस है तो परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, और किसको माल वापस किया? परी को। पहले परी को क्रेडिट किया था माल जब लाया था, अब माल उसके मुंह पे मार दिया वापस तो परी को डेबिट करो, क्रेडिटर कम हो गए ना हमारे, परी क्रेडिटर है, क्रेडिटर कम हो गए, परी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। कितने का माल वापस किया? गुड्स रिटर्न्ड, सिंपल है, पक्की बात, डन। चलो आगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। रिसीव्ड गुड्स वर्थ ₹800 फ्रॉम प्रीतेश विच वर सोल्ड टू हिम बिफोर, हमने प्रीतेश को जो माल बेचा था, प्रीतेश हाँ, इसमें से 800 का माल वापस आ गया, माल बेचा तो सेल्स को क्रेडिट किया, सेल्स क्रेडिट हुआ, माल वापस आए तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, तो सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आया, किसको बेचा था? प्रीतेश को उधारी में, पहले प्रीतेश को डेबिट किया, माल वापस आ गया तो प्रीतेश को क्रेडिट करो। कितने का माल वापस आया? 800।
बरोबर, डन, समझ में आया, हो गया सारा ट्रांजैक्शन खत्म। कुछ था इसमें, सिंपल है क्वेश्चन, किसी को यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो, एनी बडी एनी काइंड ऑफ डाउट। सर आपने कौन सा अकाउंट बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्लियर है बेटा, पक्का, एनीबॉडी, ओके ओके, डन डन। ध्यान देना, अभी पहला वाला क्वेश्चन खत्म, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ था, 8 से 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, लॉलीपॉप क्वेश्चन। अगर बच्चे को लॉजिक समझ में आ गया डेबिट क्रेडिट का तो हर एक चीज समझ में आएगी। दूसरा क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन करेंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना है। आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। कर पाओगे? एकदम इजी पीजी, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्लियर है, पक्का, बिल्कुल कर पाओगे बेटा, डन। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछ लो, डन, क्लियर, ओके। इतना कह के मैं मेरे आज के 2 शब्द समाप्त करता हूँ। 2 और 3 होमवर्क है, ध्यान रखना, नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर।